Friends, welcome to iExamB. I'm Sataakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will see something related to your UPSC EPFO, AO, EO and APFC paper, and that is related to English section. So we will discuss the error detection questions that are highly probable to come in your English section, right? So I will keep this video bilingual, friends, so that those who do not understand either of the languages can also understand what we discuss in this video, right? Now, before I move to the questions, I want to tell you about this extremely useful workshop that is going to be held this Sunday, 16th April, 8 p.m. Right? So do register yourself and refer to all the details related to this workshop in the description box. And in this workshop, you can talk and ask all your doubts related to UPSC EPFO exam preparation. So here, Ishan Gupta sir and Ravi sir will be discussing all your addressing all your queries and discussing all the kind of questions that are expected to come this year in your exam, right? So make sure that you attend it and clear all your doubts that you have regarding this particular exam, right? Now, moving to the questions, this is the first question. Error detection question pattern looks like this, where a sentence is given and it is divided in parts, three parts, and the fourth part is no error. So if you are not able to spot any error, then maybe the sentence contains no error. In that case, you have to mark option D as your answer, right? So दोबारा repeat कर देती हूँ हिंदी में. यहाँ पर आपको pattern में एक sentence दिया गया रहता है जिसको parts में divide किया है, ठीक है? और आपका जो last part है वो D part है, यानी कि no error. अगर कोई भी आपको error नहीं मिला है इस sentence में, तो आप no error mark करेंगे, ठीक है? अभी sentence क्या कह रहा है? His father is a 80s movie star who is still popular. अब क्या है इसमें, हम आर्टिकल्स के बारे में ये पढ़ते हैं कि ए एंड द, ए और एंड में ये डिफरेंस है कि अ यूज होता है आपका जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है, साउंड पे हमें ध्यान देना है. तो यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें तो ये वॉवल साउंड है, और ये वॉवल साउंड है तो वॉवल साउंड से पहले आप एन लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है एन एटीज मूवी स्टार सही यूसेज है. एरर आपका पार्ट बी में लाई कर रहा है, आप ऑप्शन टू मार्क करेंगे, राइट? ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ बोला गया है. पासरबाइज वर स्टेयरिंग एट द स्ट्रीट परफॉर्मर एज ही एंटरटेन्ड द क्राउड विद हिज जगलिंग स्किल्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब एक कंपाउंड नाउन होता है, उसका रूल क्या है कि उसको आप प्लूरल बनाते हैं मेन नाउन जो है उस पे एस लगाकर. तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन जो है इसको अगर आपने प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे आप पासर्स बाय लिखेंगे, पासर बाइज गलत है. तो एरर कहाँ लाए कर रहा है आपका, पार्ट ए में. ऑप्शन वन को आप मार्क करेंगे एज योर आंसर. नाउ थर्ड वन सेज शी इज हैप्पियर देन वेल्दी विद हिम. तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन कर रखा है, बट कंपैरिजन का भी जो है वो रूल है. और रूल क्या है, आप ईआर फॉर्म तब यूज करते हैं जब आप एक क्वालिटी डिफरेंट लोगों की बात करते हैं. जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं दिस हाउस इज बिगर देन दैट, तो मतलब कंपैरिजन दो चीजों के बारे में हो रहा है. क्वालिटी एक है बिग, ठीक है, उसमें आप ईआर यूज करेंगे. पर अगर आप दो क्वालिटीज एक ही इंसान की या चीज की बात करें तो आप मोर यूज करेंगे. तो वो वेल्दी से ज्यादा हैप्पी है, तो आप क्या बोलेंगे, शी इज मोर हैप्पी देन वेल्दी विद हिम, ठीक है? इन दिस केस आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन वन ए, ठीक है. अब नेक्स्ट है, ईच फ्लावर इन द गार्डन वर केयरफुली टेंडेड टू. अब हमें ये पता होना चाहिए ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर है, और वो सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं, तो वर गलत है, यहाँ वॉज होना चाहिए. एरर आपका सी में लाई कर रहा है, ऑप्शन थ्री को आप मार्क करेंगे. एक और ऐसा क्वेश्चन, आई वॉज आस्क्ड टू चूज अमंग साइट सींग एंड रिलैक्सिंग ऑन द बीच, ठीक है? तो अब हमें अमंग और बिटवीन का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट? जब दो चीजों की बात हो रही होती है आप हमेशा बिटवीन यूज करेंगे, बट इफ मोर देन टू थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट यू विल यूज अमंग, ऑलराइट? तो यहां कितनी चीजों की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट साइट सींग वन एंड रिलैक्सिंग ऑन द बीच टू, ठीक है? दो चीजों की बात हो रही है, तो आप अमंग नहीं बिटवीन यूज करेंगे, अमंग गलत है यहाँ पे, तो आपका एरर लाई कर रहा है
पार्ट बी में ऑप्शन टू मार्क करेंगे आप अपना आंसर, राइट। सो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, 100% ईओ एओ में भी आएंगे और एपीएफसी में भी आएंगे। इनको जरूर प्रैक्टिस करें और इनके लिए ग्रामर रूल्स का इन प्लेस होना बहुत जरूरी है। हमने अपनी वीडियोस में बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रखा है ये, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है, ग्रामर बुक से आपको अगर पढ़ना है केवल ग्रामर रूल्स देखें, पूरी बुक में बुक को अब्सॉर्ब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम अभी कम है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा टाइम एक ग्रामर बुक को दे दें, क्योंकि उसमें सीखने के लिए भी एक्चुअली काफी कुछ होता है। तो एकदम क्रिस्प नोट्स, कहीं भी आपको कुछ ऐसा मिले जो कि एकदम क्रिस्प हो, केवल वहीं से पढ़िएगा, एंड बहुत ज्यादा कॉन्टेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। कोई भी अगर आपको डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, एग्जाम को लेकर, तो नंबर वन आप सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर टू हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या जो आपके स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन है hello@iexambi.com या जो फोन नंबर गिवन है उस पे विजिट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।